हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इज़ फन विद आर्यन। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप घर पे मोमोज कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी मेथड है और आप इसे अपने घर पे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए कुकिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेज मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए आधी बारीक घिसी हुई पत्ता गोभी, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 इंच घिसा हुआ अदरक, 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 घिसी हुई गाजर। और फ्रेंड्स, उसका डो बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम मैदा, पानी और रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड्स, चलिए डो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, डो बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने मैदे को एक ऐसे बर्तन के अंदर डाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको ऐसे ऐसे मसल लेना हाथ से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फ्रेंड्स, इसमें 1/2 चम्मच और डाल लेते हैं रिफाइंड ऑयल। मैंने इसके अंदर 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लिया और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और हमें अपने डो को एकदम सॉफ्ट बनाना है। इसको ऐसे हाथों से अच्छे से गूंद लें। इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है तो हमारा आटा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। हम इसको 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। उतनी देर हम अपना इसके अंदर जो मिक्स करना है हमने वो सब्जियों को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए हमें एक ऐसी कढ़ाई ले लेनी है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा गर्म होने देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये तेल है गरम हो चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर अपनी अदरक डाल देते हैं जो हमने घिसी थी। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी पत्ता गोभी जो हमने घिसी थी। फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से हिला लेंगे हम ताकि ये नीचे ना लगे बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर अपनी शिमला मिर्च डाल देंगे जो हरी काटी गई है। फ्रेंड्स, इसको 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको 2 मिनट तक पका लिया हमने। अब इसके अंदर डालेंगे गाजर। और फ्रेंड्स, साथ में आप अपनी हरी मिर्च भी डाल लीजिए।
इसको 2 मिनट तक और पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक और फ्रेंड्स थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर देते हैं गैस को ऑफ और हमारा जो ये मिक्सिंग जो हमने फिलिंग करनी है उसके अंदर मोमोज के अंदर वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब अपने आटे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, इसको एक बार और गूंथ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एकदम सॉफ्ट बन चुका है। फ्रेंड्स अब इसके इसका एक छोटा सा गोला बना लेते हैं, इतना गोला बनाना है हमें। इसको ऐसे रख लेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे रिफाइंड। तो फ्रेंड्स अब इसको बेल लेते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आपको इसको बीच में से थोड़ा सा थिक रखना है और इसकी साइडें जो है वो एकदम पतली बनानी है। तो इसकी साइडों को एकदम पतला कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने अच्छे से बेल लिया और हम इसके अंदर 1 चम्मच अपनी फिलिंग डालेंगे जो हमने बना के रख ली थी। तो फ्रेंड्स अब आपको इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे एक साइड से पकड़ के इसके ऊपर ऐसे इसको ओवरलैप करते रहना है। आपको सभी साइडों से ऐसे करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपका ये नई चिपक रहा है तो आप इस पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसको ऊपर से ऐसे थोड़ा दबा देंगे। तो ये देखिए हमारा मोमोज तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही मैं जल्दी से बाकी सारे भी बना लेता हूँ। हमारे जो मोमोज है वो एकदम बन चुके हैं। मेरे उस आटे से 25 मोमोज बने हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें एक ऐसी छन्नी ले लेनी है, सबके घर में होती है। फ्रेंड्स इसके ऊपर हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मल लेते हैं अच्छे से, ताकि जो हमारे मोमोज है उसके ऊपर चिपके ना रहे, नहीं तो बाद में उनको निकालना मुश्किल होता है। मोमो को स्टीम करने के लिए हमें ये एक बड़ा पतीला चाहिए। इसके अंदर हमने 3 से 4 गिलास पानी डाल लिया है। आप अपने नलके वाला पानी भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने अपने ये रख लिए हैं मोमोज। तो हम ज़रा सा अपने इसको उबलने देते हैं पानी को। तो फ्रेंड्स हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है। तो फ्रेंड्स हमें पहले पानी फुल गैस पर उबाल लेना है, उसके बाद हम अपनी गैस को मीडियम कर देंगे। अपने मोमोज को ऐसे इसके ऊपर टिका देंगे और इसको फिर किसी चीज़ से ढक देंगे। तो मैंने एक ऐसा ढक्कन दिया, मैं इसको इससे ढक देता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार के मोमोज को कम से कम 10 मिनट तक कुक करना होता है। तो चलिए 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे मोमोज को 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे मोमोज बहुत अच्छे से बन गया। आप किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।